जिसमें पवित्रता है, जिसमें विनम्रता है, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें सरलता है, जिसमें लोगों को कष्ट को देख करके उस कष्ट को दूर करने की कोशिश है, वह संत है। भक्ति जान गई आप साधु हैं, आप संत हैं, इसलिए आपने मेरे कष्टों को तो दूर किया। मेरा निवेदन है मेरे पुत्रों को और जगा दीजिए। नारद जी को दया आई। नारद जी ने सोचा कि मुझे ज्ञान वैराग्य को उठाना चाहिए। सोचने लगे शायद मेरे इनके दिमाग में शून्यता बैठ गई है। कान में मुंह लगा करके चिल्लाया, ओ ज्ञान ओ वैराग्य उठो, नहीं उठे। सोचा गर्मी बढ़ गई है, पानी डाला, नहीं उठे। और फिर कान में शंख बजाई, घंटी बजाई, गीता पाठ किया, वेद ध्वनि की, नहीं उठे। उठे लेकिन आलस्य के कारण फिर से सो गए। जब नारद जी परेशान हुए तो व्योम वाणी तदैवाभून मार से खिद्यतामिति उत्तमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाश से आकाश वाणी हुई देवर से, ज्ञान वैराग्य को जगाने की आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वह सफल होंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको संत श्रोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी ने सोचा कि भगवान को यदि बताना था तो ये भी बता देते वे संत श्रोमणी कौन हैं, कहाँ हैं, उनका क्या नाम है, कुछ भी नहीं बताया। नारद जी आगे पहुंचे, कुछ संत मिले, उनसे कहा मेरी भक्ति के पुत्र अचेतन स्थिति में पड़े हैं, आप उन्हें जगा दीजिए। वे कलयुगी संत ताल मटोल के चले गए। कुछ संत मिले वे मौन रह गए। कुछ संत मिले उन्होंने कहा यह कार्य कठिन है। अब नारद जी संत श्रोमणियों को दूरते दूरते बद्री का आश्रम में पहुंचे, बद्रीनाथ गए। नारद जी को संत श्रोमणी दिखाई दिए जिनकी संख्या चार थी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषि। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपकी उम्र हजारों लाखों और करोड़ों वर्षों की है, लेकिन निरंतर भगवत चिंतन में डूबे रहने के कारण आपका वृद्धावस्था, आपका बुढ़ापा नहीं आता, आप बड़े कृपालु हैं। संत श्रोमणी समझ गए नारद जी चिंतित हैं, इसलिए संत श्रोमणियों ने कहा मां चिंता गुरुदेवर से हर सम चित्ते समावहो, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ए बही। नारद जी चिंता मत कीजिए, अपने हृदय में प्रसन्नता लाइए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के उपाय आप जानते हैं, पर आपके ऊपर कष्ट आ गया है इसलिए आप भूल गए हैं। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता से बचना चाहिए। चिता में तो मुर्दों को जलाया जाता है, चिंता में हम जिंदा जल जाते हैं। चिंता करने से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए चिंता से बचना चाहिए। नारद जी चिंता मत करो, आपको जो करना है वो आप जानते हैं, पर आपके ऊपर कष्ट आ गया है इसलिए आप भूल गए हैं। इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं, यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन उन यज्ञों में चार यज्ञ श्रेष्ठ हैं, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। लेकिन इन चार यज्ञों में एक यज्ञ श्रेष्ठ है जिसे सत्कर्म का सूचक माना गया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखाद्यवि। उस यज्ञ का नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा, जैसे सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने, सूत जी ने, सौनकादिक ऋषियों ने सत्कर्म का सूचक माना। पर भागवत जी को सत्कर्म का सूचक क्यों माना गया? अन्य पुराणों को भी कह सकते थे, पर भागवत को सत्कर्म का सूचक इसलिए कहा गया, जिस प्रकार से सिंह की गर्जना सुनकर के भेड़िये भाग जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर के कलयुग के पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को सत्कर्म का सूचक बताया गया, सत्कर्म का सूचक माना गया।
तो हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराइए। नारद जी ने पूछा, भगवान ये कार्य कहाँ करना चाहिए? संत श्रोमणियों ने बताया, हर कार्य को करने के लिए स्थान निश्चित है, जैसे सोने के लिए शयन कक्ष, पूजन करने के लिए देवालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, स्नान करने के लिए स्नानागार, उसी प्रकार से इस कार्य को करने के लिए भी स्थान निश्चित है। यदि यह कार्य घर पर किया जाता है तो एक गुना फल मिलता है, मंदिर में किया जाता है तो 10 गुना फल मिलता है, और यदि यह कार्य पतित पावनी भगवती मैया गंगा और मैया नर्मदा के तट पर किया जाता है तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान मैया गंगा और मैया नर्मदा का पावन तट बन जाता है। अब श्रीमद् भागवत की पावन कथा मैया गंगा के पावन तट पर नारद जी ने प्रारंभ कराई और आनंद नाम के घाट में कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो जो ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति अचेतन स्थिति में पड़े हुए थे, वे ज्ञान वैराग्य और भक्ति श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान वैराग्य और भक्ति दौड़ते हुए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, जो टंडे की तरह पतले हो गए थे, जिनके बाल बगले की तरह सफेद हो गए थे, वे दौड़ते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए आए और कथा में सबसे आगे आकर के बैठ गए। और फिर ज्ञान वैराग्य भक्ति ने बड़े सुंदर रूप से भगवत कथा श्रवण की। जब भगवत कथा प्रारंभ हुई तो उस कथा में पहला आश्चर्य तो यह हुआ कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्वस्थ होकर के कथा में आकर के बैठ गए, और दूसरा आश्चर्य यह हुआ भगवान ने जैसा कहा है कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निजलोकं परित्यज्यो भगवान भक्त बत सला। जब मेरे भक्त भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने निजधाम वैकुंठ को छोड़ के अपने भक्तों के पास चला आता हूँ। आज जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से 5 वर्ष के बालक के रूप में चले आए, कानों में कुंडल, गले में भजंती की माला, रेशमी पीतांबर, पैरों में घुंघरू वाली पायल और कमर में करधन। जब प्रभु आ रहे थे, जब प्रभु चले आ रहे थे तो घुंघरू की आवाज छम छम करके सब में सुनाई देने लगी। प्रभु बड़े धीरे धीरे थुमक थुमक करके चलने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैया यशोदा के आंगन में भगवान कृष्ण और कौशल्या के आंगन में राम थुमक थुमक करके दौड़ रहे हों और माँ उन्हें पकड़ रही हो। उस समय ऐसा लग रहा था थुमक चलत रामचंद्र बाजे तो तेरे जय